ये सारी गप्पे बना रहे हैं लोग और मुख्तलिफ लोगों को ये इसके पीछे इन किस्म इस किस्म की कहानियों के पीछे डॉक्यूमेंट्रीज के पीछे अक्सर सूरतों में और गालिब इम्कान के तौर पर CIA अमेरिका का हाथ है। बाज तहकीकात मैंने की हैं, इनसे पता चलता है कि बहुत से जूश इंस्टॉल्ड हैं, ये वीडियोज वगैरह जो फैलाई जाती है, किताबें लिखवाई जाती हैं। ये दरअसल कम्युनिज्म के मुकाबले के लिए इन्होंने बहुत से तरीके सोचे हैं और मजहब को एक्सप्लॉयट करने के लिए और लोगों की सुपरस्टिशन को मानने के रुझान को अपने निज़ाम की तकवीत की खातिर इस्तेमाल करने के सिर्फ तरीके हैं। इसलिए इन लोगों को उठाते हैं और आगे करते हैं। जो मौजूदा ज़माने की पेशगोई करने वाले या इस किस्म के दावा करने वाले हैं, उनकी तो जब भी छानबीन की गई वो फ्रॉड निकले। तो 300 साल पहले जाके कौन छानबीन करेगा? इसलिए पहले तो ये देखना पड़ेगा वो किताब है क्या, उसका मुताला करना पड़ेगा कि जब पेशगोइयाँ की थी क्या उसका दावा था, खुदा ने उसको भेजा था तो फिर कौन सी जमात उसने कायम की, या वो दावेदार ये कहता था कि मेरा मैं खुद ही आलिम गायब हूँ। ये सारी बातें देखेंगे तो फिर तहकीक करेंगे। आप उस डॉक्यूमेंट्री का मुझे हवाला दिलवाएँ, वो किताब मंगवाएंगे। एक दफ़ा मुझे याद, जब मैं अमरीका गया 78 में, तो उन दिनों वो क्रिस्टल बॉल देखने वाली लेडी थी, क्या नाम था उसका मशहूर, जेन डिक्सन के बाद मुरीद मुझे मिले और एक किताब भी लेके आए कि जेन डिक्सन जो है वो तो बड़ी ज़बरदस्त पेशगोइयाँ करती है और इस तरह उसकी पूरी होती हैं और फलां फलां ने गवाही दी। तो मैंने कहा बाकी सब झगड़े पे बस मेरा वक्त ही नहीं, पीछे जाके तहकीक करूँ, ऑथेंटिसिटी उन लोगों की देखूँ, इंटेग्रिटी देखूँ। अगले चंद साल की मेरी पेशगोइयाँ लिखवा दो, अभी किताब ले आओ देख लेते हैं। तो उन पेशगोइयों के मुताबिक 85 से पहले आर्मी जंग हो जानी चाहिए थी और अब कौन सा साल है, 87 आ गया है, कोई जंग नहीं हुई। और जितनी पेशगोइयाँ उस वक्त हमने नोट की थी वो उनको तो किताब उन्हीं के पास है जिनसे गुफ्तगू हुई थी, मैंने उनको पॉइंट करवाए थे। मैंने कहा ये देख लो, जब ये सच्ची होगी फिर मुझे उससे रब्ता करना। वो सारी झूठी निकली। होता यह है कि गप्पे मारने वाला आदमी एक अंदाजे लगाता है कुछ सियासत से, हालात से, और ये जो अंदाजा लगाया है ये फ्रॉड करने वाले ने लगाए, उसने कभी भी नहीं लिखा होगा सैन फ्रांसिस्को वाला, क्योंकि रिसेंटली जो जलजलों पर रिसर्च शाया हुई है उसमें ये लिखा है कि जो प्लेट है सैन फ्रांसिस्को के नीचे वो इस तरह मूव कर रही है कि खतरा है कि आइंदा इतने साल में, करीबन वही वक्त बताया है जो ये बता रहा है, कि वहाँ एक बहुत बड़ा जलजला आ जाए। और चूंकि ये खबर पहले शाया हो चुकी है साइंस की, उसको उन्होंने शामिल करके, अगर खुद कहता इस वक्त कोई कहता कि मैं पेशगोई कर रहा हूँ तो फौरन लोगों ने कह देना था कि ये फ्रॉड है, वो पढ़कर पेशगोई की है, उसको 300 साल पहले फेंक दिया। इसीलिए ये सब फ्रॉड का बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीका है, वो दिखा दिया ताकि किसी को बाद में शक ना पड़े। वो हम तो अभी बता रहे हैं तुम्हें ये प्लेन भी है, लेकिन हम पेशगोई अपनी कह रहे हैं 300 साल पहले थी, ये सब फ्रॉड है। इसके बावजूद वो असर डाल जाते हैं, ये सब चलाकियां हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या हम ये कहते हैं या कह सकते हैं कि जो उसी किताब के हिसाब से 1986 में तीसरी आलमी जंग होनी चाहिए। नहीं, मगर हो सकता है बात गलत बातें उसने बुक किताब की तरफ डॉक्यूमेंट्री में देखी, देख के पता लगेगा। अगर उसका साथ ये है कि जो